नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टानेस्का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। नॉर्थ ईस्ट के समाचार आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:35 से 7:45 तक। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बात की जानकारी दी है कि अगले 3-4 दिनों में चुमार से चीन के सैनिक पीछे हट जाएंगे। वहीं देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसका स्वागत किया है और पूरे विश्वास के साथ कहा है कि भारत के हिस्से का 1 इंच भी किसी को नहीं लेने देंगे। ये बातें अरुणाचल प्रदेश के जीरो में हो रहे म्यूजिक फेस्ट के दौरान किरण रिजिजू ने कही। अभी जो खबर आई है कि चाइनीज जो फोर्सेस हैं वो भी पीछे हटने के लिए तैयार है, तो वो पीछे हटेंगे तो हमारा फोर्सेस पीछे हटेंगे, लेकिन हम पीछे हटने से हम अपना जमीन को सरेंडर नहीं करेंगे, वो चीज का ध्यान रखना है। फोर्सेस कम आमने सामने होगा तो टेंशन भी कम होगा, इसलिए अभी जो कुछ दिन से चल रहा था चुमूर में और देमचोक में और बाकी कुछ इलाकों में, तो अभी टेंशन जो थोड़ा नॉर्मल है और हम लोगों ने भी क्लियरली अपना फोर्सेस को डायरेक्शन दिया हुआ है कि हम अपना जमीन को किसी के दबाव में हम लोग काम करके नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए हमारा फोर्सेस अच्छी तरह से बॉर्डर एरिया में देख रहे हैं। हम लोग का बॉर्डर एरिया में काफी सालों से अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, इसलिए हमारा सरकार आने के बाद हम लोग का प्राथमिकता ये रहेगा कि बॉर्डर एरिया में हम लोगों का ट्रूप्स है उसका मोबिलाइजेशन अच्छा से हो, उनका कैपेसिटी को आगे बढ़वाएं, और साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ हमारे सड़कें हैं, रहने के मकान हैं, सप्लाई चेन है, वो टेलीकम्युनिकेशन का फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे चीजें हैं जो बॉर्डर एरिया में हमको करना है। उस पर अभी हमारा सरकार जो नया आया है इस पर बल दे रहा है और काफी बदलाव भी आ रहा है, और आने वाले दिन में देश के लिए अच्छा है कि हम बॉर्डर एरिया को कमजोर ना रखें और उसको मजबूती से देश के मुख्य धारा के विकास में हम उसको शामिल करें। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन अलकायदा की ओर से भारत में आतंकवादी अभियान चलाने की धमकी भरा वीडियो जारी करने के कुछ दिनों के बाद ही असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने पिछले दिनों कहा था कि अलकायदा राज्य में अपना आधार बनाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए उल्फा के साथ उसकी अंदरूनी सांठगांठ है। वहीं इस मुद्दे पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट में अलकायदा अपने कदम जमाने की कोशिश करता है तो उसे सख्ती से पेश आया जाएगा और सिक्योरिटी एजेंसीज को भी अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी ये कहा था कि पूरे राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत बनाना होगा, साथ ही असम की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट में और अन्य भागों में अलकायदा या अलकायदा से जुड़े हुए कोई भी संगठन अगर आता है उसको बहुत स्ट्रांगली डील करना चाहिए, और इंस्ट्रक्शन क्लियर है, हमारे जितना सिक्योरिटी एजेंसीज है वो बहुत ही अलर्ट है, और कोई सामने में मिलता है या कोई उसका लीड मिलता है या कोई ऐसा चीज सामने में आता है तो उसको कार्रवाई जो है हम मजबूती से कर रहे हैं और आगे भी अलर्ट रहेंगे ताकि हम जितना भी जो फंडामेंटलिस्ट जितना भी ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक्टिविटीज का असर नॉर्थ ईस्ट में कम हो और बाकी भारत के किसी भी हिस्से में इसका असर ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। देश भर के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी 25 सितंबर को मेक इन इंडिया योजना लॉन्च की गई। वहीं मेक इन इंडिया के जवाब में चीन ने भी मेड इन चाइना अभियान की शुरुआत की है। मेड इन चाइना अभियान के तहत चीन की सरकार टैक्स में छूट देगी। वहीं मेक इन इंडिया का मकसद देश को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है। मेक इन चाइना को लेकर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि चीन क्या करता है ये उनका मुद्दा नहीं है, उनका मुद्दा है कि किस तरह से भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाए और मेक इन इंडिया को सफल बनाया जाए। व्हाट दे डू इज देयर जॉब, वी हैव टू डू आवर जॉब। आई कैन नॉट कमेंट ऑन व्हाट द चाइनीज गवर्नमेंट हैव डन फॉर देयर ओन कंट्री, बट वी नीड टू डू मच मोर बिकॉज इंडिया इज अ बिग कंट्री and we have our own position in the world. So if Made in India campaign is taken up in a big manner, so the credit must go to the leadership of the Prime Minister and the government. So I hope India really becomes a big country in terms of manufacturing as well as for innovation. बाढ़ प्रभावित असम में मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 पर पहुंच गई है।
राज्य के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने केंद्र से 1,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी और केंद्र सरकार पर राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया है। आरोप का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने गुवाहाटी में कहा कि सर्वेक्षण करने के बाद जितनी भी राशि की मदद राज्य सरकार को चाहिए होगी वो दिया जाएगा। वहीं रिजिजू ने कहा कि इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है वो यूपीए सरकार की नीति हो सकती है। जहां तक संभव होगा पूर्वोत्तर राज्य को पूरी सहायता दी जाएगी और ये सरकार की वरीयता होगी। इस मुद्दे पर केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने केंद्र सरकार के कार्यों की जमकर प्रशंसा की और असम सरकार को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। मैं खुद आया हूं, मेरे साथ में अभी यहां के असम के मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल भी हैं। हम लोग मिलकर के तय कर रहे हैं और अभी हम लोग विजिट कर रहे हैं। मैं खुद अभी गुवाहाटी आया हूं और पूरे डिटेल सर्वे करने के बाद जो भी मदद चाहिए, जो भी राशि धनराशि चाहिए वो हम देंगे। अभी हमारा जो डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और बाकी जो सेंट्रल फोर्सेस है वो लगे हुए हैं ग्राउंड में। आसाम, मेघालय और नॉर्थ ईस्ट की जो भी कंडीशन है उसको मैं खुद देख रहा हूँ। इसलिए ये कहना कि नॉर्थ ईस्ट को नेग्लेक्ट किया गया है वो पूर्व में पहले किया गया होगा, अब नॉर्थ ईस्ट का नज़रअंदाज नहीं होगा। असम की जो फ्लड है ये तो एक बहुत गंभीर समस्या है। सो इनकी यू नो जानकारी के लिए हम लोगों ने खास करके जो भी अफेक्टेड लाइक लोग हैं उनसे हम लोगों ने बातचीत किया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने हमको यही बताया कि आप लोग जाइए और लोगों से मिलिए, लोगों का जो भी है वो आप सुनिए। तो उसी हिसाब से हम लोग गए तो यही कहना था कि उनको जो भी रिलीफ मटेरियल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोगों ने गवर्नमेंट असम गवर्नमेंट से भी यही कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट देम एज मच एज दे रिक्वायर। इसलिए जो भी संभव है वो संभव जितना सपोर्ट उनको दे। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर तारिक अहमद करीम ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी से मुलाकात की और बांग्लादेश और अरुणाचल के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, पर्यटन और कृषि के क्षेत्र के बारे में बताते हुए राज्य की क्षमताओं के बारे में बात की और यह आशा व्यक्त की कि अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश के बीच व्यापार संबंधों में काफी सुधार किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल निर्भय शर्मा ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि वो स्वच्छ भारत अभियान का दिल से समर्थन करें और सभी इसमें सहयोग दें। 2 अक्टूबर से भारत को स्वच्छ बनाने के लिए पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान आरंभ किया जा रहा है। शुक्रवार को ईटानगर के राजभवन में नाबम तुकी और विपक्ष के नेताओं के बीच भी बैठक में राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों का भी ये मिशन है कि भारत को स्वच्छ बनाया जाए और साल 2019 में जब बापू की 150वीं जयंती मनाई जाए तो एक स्वच्छ भारत बापू को श्रद्धांजलि के रूप में। अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में पिछले कुछ समय हुई बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यिंगक्योंग पासी घाट सड़क सहित कई सड़कें ब्लॉक हो गई है और सियांग नदी के पास मिट्टी में कटाव होने से काफी मुश्किलें आ रही है। यिंगक्योंग टाउन के करीब सियांग नदी के पास मिट्टी में कटाव होने से एडवांस लैंडिंग हेलीपैड का आधे से ज्यादा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दें कि हेलीपैड को 1958 में बनाया गया था और ये रक्षा प्रणाली के साथ साथ सार्वजनिक उपयोग के लिए मेजर लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन अभी तक हेलीपैड की मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। विधायक आलो लिबांग ने यिंगक्योंग टाउन में बहुत विकास किया लेकिन अभी ये इलाका बहुत सी सुविधाओं से वंचित है। अपर सियांग जिले के कई गाँव अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन गांवों का सड़कों से संपर्क नहीं है, इसलिए गांव के लोगों को पैदल ही यात्रा करना पड़ता है। मणिपुर के इम्फाल के प्रेस क्लब में शुक्रवार को मेमोरी वॉक पर एक दिन का कंसल्टेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। सितंबर के महीने में अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है जिसके चलते कंसल्टेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। यह प्रोग्राम रीजनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रेनिंग सेंटर, GNIMS नर्सिंग एसोसिएशन, नेशनल अलायंस फॉर एल्डर पीपुल लाइवलीहुड रिसर्च एडवोकेसी एंड क्रॉनिक डिजीज ऑफ इंडिया और रिलेटेड डिसऑर्डर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया। कंसल्टेशन प्रोग्राम में इम्फाल वेस्ट से CMO डॉक्टर एस बिमोला कुमारी, मणिपुर राज्य समाज कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष RK नारायण साना और प्रिंसिपल डॉक्टर K शांतिवाला देवी सहित कई लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि भारत में लगभग 4 मिलियन लोग अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं। I am Dr. Bimla Kumari, CMO Imphal West, giving you the this awareness program on Alzheimer's disease. As this disease is incurable till now, we the people in the community have to work coordinately and to
to solve the problem faced by the family members, the society in the community, which gives us a very bad impact on the humanity level as well as in the economic process, which were faced by this particular person in long years back before he gets this disease. I am Dr. K. Shantibala Devi, Assistant Professor, Department of Psychiatry, JNIMS, and Vice Chairperson of Alzheimer's and Related Diseases India, and the Chief Patron Editor of our Alliance. And this is a part of the World Alzheimer's Month. Actually, we observe World Alzheimer's Day on 21st of September every year. And the WHO from 2012 has come to the conclusion that observing one day will not be enough to create awareness, and hence the whole month should be we should work so that we create awareness in the community. So this is a part of the World Mental Health World Alzheimer's Month, because we have already observed in many other places also, including the World Alzheimer's Day. We do not have a specific one reason, but we have a varieties of factors that cause Alzheimer's. Alzheimer's is a dementing disease, and about in dementia, which is where there is a degeneration of the brain cells, of the neurons. Alzheimer's account for 50 to 60% of all dementing illness. And the cause, there are varieties. Number one could be genetic, and it is familial. 40% of the cases have a family history, and female suffers more than the male. And other factors could be injury to the brain trauma, and then we have infection to the brain, and then of course poor nutrition, exposure to toxins, and varieties of other reasons also. My name is R.K. Nayan Sinha Devi, former chairperson of Manipur State Social Welfare Board and former director of Agriculture Government of Manipur. We can reduce the risk of having this Alzheimer's disease if we take care earlier in our life, as to take off some as healthier, to be a healthier life, to preserve our good health, as a good heart, the healthy brain, and having a balanced diet. Always we have to eat balanced diet, and we have to take part social activities and to challenge our brains like this. We can reduce this Alzheimer's disease. दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज में शनिवार को पोमाई नागा सिदोमाई भी दिल्ली के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों के लिए फ्रेशर्स मीट का आयोजन किया गया। विशेष अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद अगाथा संगमा कार्यक्रम में मौजूद थी। हालांकि मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा सांसद पी एस संगमा को कार्यक्रम में आना था, लेकिन मेघालय में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरा पर होने के कारण वो कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सके और उनकी जगह अगाथा संगमा कार्यक्रम में मौजूद थी। कार्यक्रम में पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ साथ फ्रेशर्स को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। अगाथा संगमा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होने से पूर्वोत्तर राज्य के छात्रों को दिल्ली के वातावरण में घुलने में मदद मिलती है और एक दूसरे से संवाद कायम होता है। वहीं इस कार्यक्रम में प्रेसिडिंग ऑफिसर जे पाईओ नागा स्टूडेंट्स यूनियन दिल्ली ने कहा कि फ्रेशर्स डे नई छात्रों के स्वागत के लिए किया गया और इसका मकसद है उन सभी छात्रों को दिल्ली के विषय में जानकारी देना, साथ ही उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा। गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। ये जो पोमाई स्टूडेंट यूनियन का जो फ्रेशर्स मीट था, इसमें श्री पी ए संगमा जी को आना था, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाढ़ है और इमरजेंसी के लिए उनको जाना पड़ा। तो आज मैं बहुत यहाँ के स्टूडेंट्स को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया। ये बेसिकली फ्रेशर्स मीट है। आप जानते हैं आजकल नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल्ली में आते हैं पढ़ाई के लिए और अपने फ्यूचर के लिए काम ढूंढने आते हैं। तो इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों को बताएं कि जब वो दिल्ली में आए तो
उनको थोड़े से लाइफस्टाइल टिप्स दे सके या कैसे अपने लिए एक यहाँ पे जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट कैसे वो ले पाए, अपने स्टूडेंट यूनियंस के साथ कैसे रजिस्टर करे। दिस प्रोग्राम वॉज एक्चुअली ऑर्गेनाइज बाई पोमोई नागा स्टूडेंट यूनियन दिल्ली एंड देन दिस प्रोग्राम इज एक्चुअली ऑर्गेनाइज टू वेलकम द फ्रेशर्स एंड ऑल्सो टू ओरिएंट देम अबाउट द दिल्ली एंड ऑल्सो टू एक्सटेंड आवर हेल्प एंड ऑल्सो टू एनकरेज देम इन व्हाटएवर फील्ड दे विल बी गोइंग बिकॉज सम ऑफ देम हैव कम फॉर वर्क, सम ऑफ देम हैव कम फॉर जॉब, for education and many fields. So this is a day where we get together, we encourage them, we meet them, we interact them, we assure them in whatever way the students union and the leaders and the seniors who are already here in Delhi can help them. And this is the time when we get together, we get to know each other, and then this is a platform that brings all the people together. And also we invite various Northeast leaders from different states, from different tribes, all of them have come, and then we have just finished our first session, and then second session is yet to go, and I think this platform will give a positive direction for better future for the freshers and for those students who have come to Delhi for the first time. हम कहना चाहते हैं ये दिस इज़ द इनिशिएटिव टेकन बाय पोमोई नागा स्टूडेंट यूनियन दिल्ली. पोमोई नागा स्टूडेंट यूनियन दिल्ली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडेंट यूनियन नेक्स्ट टू द तंकुल स्टूडेंट यूनियन एंड इट इज़ अफिलेटेड टू द नागा स्टूडेंट यूनियन दिल्ली. एंड पोमोई नागा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड ऑल्सो इट्स द बिगेस्ट अमॉन्ग द वन ऑफ द बिगेस्ट ट्राइब इन नागा. एंड दिस इज द टाइम वेयर वी ओरिएंट द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हु कम्स टू दिल्ली लीगली. वी गिव द एडवाइस देम, वी ओरिएंट देम हाउ इज़ दिल्ली एंड वी टीच देम व्हाट शुड द पर्सन डू in such situation, and this is the time when we get together and come to know one person and make them feel at home, far away from home, where they would say that Delhi is as much as my home, where I'm far away from my home, so they feel comfortable, secure, and we saw this is a sign of belongingness that we are from Northeast and we come together as one, not only as a Northeast, but when we are together, we can bring good changes for the society. As there is a saying that for a family, we should sacrifice an individual, for a society, a family, for a nation, a society. That's how we are practicing in a small way. Thank you. We are very glad to all the organizers for organizing this very auspicious program, and then we expect the same from every one of you who have come here. And then as our chief guest and those honorable dignitaries have gave speech, we are very inspired by those words, and we look forward to, and then we will give our best abilities in doing what they have just said. आज केक में फिलहाल इतना ही. नमस्कार.